एनपीएस से निकासी पर दो पेंशन प्लान ले सकेंगे। पेंशन फंड नियामक ने सदस्यों के लिए विकल्प मुहैया करवाया। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब ये योजना से निकासी के समय एक से अधिक एन्यूटी या पेंशन योजना में निवेश कर पाएंगे। ये विकल्प उन सदस्यों को मिलेगा जिनका एन्यूटी फंड 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगा। प्रत्येक एन्यूटी या पेंशन योजना में कम से कम 5 लाख रुपए का निवेश करना होगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के हालिया सर्कुलर के अनुसार एनपीएस सदस्यों को निकासी के वक्त किसी एक एन्यूटी या पेंशन सेवा प्रदाता यानी जीवन बीमा कंपनी से एक से अधिक पेंशन प्लान खरीदने का विकल्प दिया जाएगा। इससे पहले एक ही प्लान खरीदने की इजाज़त थी एन्यूटी या पेंशन प्लान। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या एन्यूटी प्लान जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना होता है, जो ग्राहकों को उनके निवेश के आधार पर मासिक, तिमाही और छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन देती है। फिलहाल 15 कंपनियां यह सेवाएं देती हैं। यदि सेवानिवृत्त हुए हैं तो क्या है नियम? 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस से 60% रकम एक मुफ्त निकाली जा सकती है। यह कर मुक्त होती है। बाकी 40% रकम को एन्यूटी या पेंशन प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है। ये प्लान जीवन बीमा कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। हालांकि अगर सेवानिवृत्ति के बाद कुल एन्यूटी फंड 5 लाख रुपए के बराबर या इससे कम है तो सदस्य पूरी रकम निकाल सकते हैं। समय से पूर्व निकासी। यदि कोई एनपीएस कर्मचारी 60 वर्ष से पहले पूर्व निकासी चाहता है तो उसे कुल फंड का 80% हिस्सा एन्यूटी या पेंशन प्लान खरीदने में लगाना होगा। सिर्फ 20% रकम ही एकमुश्त निकाल सकते हैं। अगर समय पूर्व निकासी के समय कुल फंड 2.5 लाख रुपए के बराबर या इससे कम है तो एन्यूटी प्लान खरीदने की बाध्यता नहीं है। सदस्य पूरी राशि निकाल सकते हैं। एनपीएस में 5 वर्ष से पहले निकासी नहीं की जा सकती है। ये होगा फायदा। जीवन बीमा कंपनियां निवेश अवधि या प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग एन्यूटी या पेंशन प्लान उपलब्ध कराती है, जिनमें वार्षिक ब्याज दरें और मुनाफा भी अलग अलग होता है। अधिक पेंशन के लिए निवेशक ज़्यादा मुनाफे वाली योजना को चुन सकते हैं। साथ ही बाजार जोखिम के आधार पर भी पेंशन प्लान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।